ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। आरा से सासाराम की सड़क की हालत काफी ही जर्जर हो चुकी है, जिसकी मरम्मती को लेकर छात्र जप्पा के कार्यकर्ताओं ने आज आरा सासाराम मुख्य पथ पर गड्ढे में तब्दील हुई जो सड़क है उसमें धान रोपने का कार्यक्रम किया और राज्य सरकार से इस सड़क की मरम्मती मांग भी की। राज्य सरकार ने सड़क की मरम्मती को वादा किया था अपने लोगों से कि सुंदर सड़क और अच्छी सड़क पूरे बिहार के कहीं से भी पटना मात्र 4 घंटे में पहुंचने का वादा नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन वह वादा कितना सही है या आप भी देख लें। आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर कई जगहों पर गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते आवागमन में काफी ही परेशानी होती है। सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर छात्र जप्पा के सदस्यों ने सड़क में बने हुए गड्ढों में आज रोपनी किया और रोपनी करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर आवाज बुलंद करते हुए कहा कि इस मुख्य मार्ग की मरम्मती यथाशीघ्र राज्य सरकार करावे। हो चुका है, आदमी के आने जीने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज गोड़ हाथ टूट जा रहे हैं, कितने बीमार जो लोग आ रहे हैं उनको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन नगर निगम अंधी गुंगी पहली और लाचारी बनी हुई है। इसीलिए आज हम लोग और रेलवे स्टेशन को जो एनएच को जोड़ता है इस पर धान रोकने का काम किए हैं। यह जिला प्रशासन और नगर निगम होश में आए। पार्टी छात्र इकाई के द्वारा लगातार प्रशासन को चिट्ठी देने के बावजूद भी पूरे शहर में आज स्थिति ऐसी हवा हो गई है कि चलना मुश्किल हो गया है। आए दिनों प्रतिदिन यहाँ के लोगों को पैर और हाथ टूट रहा है। लगातार प्रशासन के द्वारा आज ओवरलोड जो जा रही है गाड़ी जो प्रशासन के सह पर जा रही है, ओवरलोड के द्वारा पूरे शहर का रोड टूट चुका है। सबका पैसा का बंदरबाट प्रशासन और सरकार में हुआ है। इसलिए हम लोग जनाधिकार पार्टी के तरफ से हम लोग घोर इसको निंदा करते हैं और पूरा आज एक महीना से शहर पूरा जाम से त्रस्त है। लोग एम्बुलेंस में जा रहे हैं, पेशेंट मर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन का जू नहीं कान पर रेंग रहा है, सरकार का जू नहीं कान पर रेंग रहा है। हम लोग सरकार का जगाने से लेकर प्रशासन को जगाने तक जनाधिकार पार्टी पूरे आरा शहर में नगर निगम में हम लोग काम करेंगे। तो नगर निगम को निश्चित तौर पे नरक जीवन के क्या ऐसे नगर निगम आप लोग विपक्ष में है, विपक्ष की बातों को क्या कोई असर पड़ रहा है? असर तो पड़ेगा जब जनता उग्र होगी, जब जनता रोड पर आएगी। हम लोग जनता को जगाने का काम करते, हम शुरू से भी कहते आ रहे हैं कि हम लोग लगातार सरकार के विरोध में यहाँ पर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे और लगातार अच्छे कार्यों के लिए जनाधिकार जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है।